Welcome students. Now from today onwards we are going to start our section for those students who are going to appear in their advanced examination. JE advanced exam में जो बच्चे appear होने वाले हैं तो उनके लिए आज से हम लोग start कर रहे हैं. And see, the purpose here is just not to solve very tough problems. तो purpose ये नहीं है कि बहुत कठिन प्रश्न हम आपसे करवाएं या करें आपके सामने. नो, द पर्पस इज टू डिस्कस दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच मे हेल्प यू इन लर्निंग सो मेनी थिंग्स, व्हिच मे हेल्प यू इन डेवलपिंग अ थॉट प्रोसेस. द पॉइंट हियर इज व्हाट आई ऑलवेज थिंक फॉर माय स्टूडेंट इज कि वो कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को. तो उसमें भी हमारा अपना ये होता है कि हम वो बता सकें. व्हेन आई got this question, someone would have asked me these questions as doubts and wherever, whenever. तो जब हमने इस पे सोचा तो what was the thought process? बस वही एक thought process के development वाली बात है. और उसके साथ साथ definitely we will be discussing good questions. अच्छे questions आपको definitely मिलेंगे. Questions involving multiple concepts with the help of which I will try to brush up the concepts, जितने ज्यादा ज्यादा concept brush up कर सकें. और साथ में ये भी बता सकें कि क्यों यहाँ पे हमने ये concept apply किया, कैसे हमको लगा, how I got that feel or instinct कि I have to apply or intuition or that I have to apply this concept here. ठीक है, बात समझिएगा बस जल्दी से कि देखिए advance का paper जो है उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्रैकिंग द क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन क्रैक कर ले गए तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड दैट यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा. तो बस वही जो क्वेश्चन क्रैक करने वाली बात है, वही जिसकी हेल्प से शायद हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाते हैं, वही चीज हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने का प्रयास करेंगे जितने भी दिन हैं, जितने भी वीडियोस हैं टॉपिक वाइज. तो इस तरह से कैलकुलस या अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे. क्वेश्चंस मिसलेनियस टाइप होंगे. आई विल बी कैटेगराइजिंग देम कि भाई ये देखिए पांच क्वेश्चन आपके फंक्शन के हैं, ये पांच लिमिट्स के हैं, नथिंग लाइक दैट. रैंडम सेलेक्शन रहेगा. रीजन सिंपल है, so that I don't want you all to fix in a frame. हम ये नहीं चाहते आपके दिमाग में आ जाए नहीं अभी तो function के, अभी तो limits के ही सारे question चले आ रहे हैं, नहीं. या ऐसा भी नहीं है कि लगातार calculus के question के आ रहे हैं, नहीं. हो सकता है एक video के बाद अगला मन बना तो हम algebra डाल देंगे. तो you have to keep your mind open and free for always. सबसे बड़ी बात समझिएगा, advance का paper है, बिल्कुल free होके सोचिए, अपने दिमाग को बिल्कुल खुला छोड़िए और free होके सोचिए. बंद के सोचेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन तो कहीं देखा हुआ है, कहीं किया हुआ है, उससे कोई करने का कोशिश करते हैं, आप मान के चलिए क्वेश्चन नहीं होगा. ठीक है, तो सोचने का तरीका बस वही एक यहाँ पे फोकस पॉइंट हमारा रहेगा. रेस्ट क्वेश्चंस तो हम आपको बताएंगे ही, सॉल्व करने का प्रयास भी करते रहेंगे और आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप भी उसे सॉल्व करते रहें. तो क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, देखिए पहला ये क्वेश्चन है. सो आई फील इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग हियर. द रीजन इज वही जो फील वाली बात है. ठीक है, अच्छा ये जो स्टेटमेंट्स हैं थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं बट आई बिलीव यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट मी टेल यू ऑल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हियर आर दोस क्वेश्चन व्हिच एट सम पॉइंट ऑफ टाइम माय स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी. वो जो अच्छे क्वेश्चन जो हमें याद आएगा, जो हमने शायद कभी कुछ नोट कर लिए, बच्चों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, वो हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए, फॉर ऑल सी, गिवन एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इट इज गिवन दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू अ रियल नंबर सेट, दिस इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. सो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वन. सो दिस इज गिवन टू अस, देन शो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब देखिए यहाँ पे ये गिवन है हमें इंफॉर्मेशन और हमें यहाँ शो क्या करना है कि एफ डैश एक्स जीरो. अब समझिएगा एफ डैश एक्स जीरो है तो अच्छा एक चीज ये भी समझिएगा, आई एम नॉट कंसर्न कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है. डेफिनेटली नॉट कंसर्न, माय फॉर मी अ क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन. डजंट मीन whether इट्स बीइंग आस्क्ड इन अ सब एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, एनीवेयर, मैट्रिक्स टाइप, डजंट मैटर फॉर मी. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन हो सकता है कि देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू या एफ डैश फाइव इज इक्वल टू या एफ डैश ऑफ रूट टू इज इक्वल टू. ठीक है, तो अब समझिए सबसे पहले द मोमेंट, यहां तो खैर क्लियर है, यहां तो क्लियर ही है
कि f डैश x इज इक्वल टू जीरो अगर हमें प्रूव करना है तो दैट सिंपली इंप्लाई, आप लोग भी समझ ही गए होंगे, दैट सिंपली इंप्लाई दैट वी हैव टू प्रूव दैट fx इज, तो वी हैव टू एक्चुअली प्रूव दैट fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन. सो fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव हियर, इजंट दैट. तो एक्चुअली हमें यहाँ पे यही प्रूव करना है, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए शायद जिस फॉर्मेट में कभी आया होगा ये क्वेश्चन कहीं पे, या बच्चे ने हमसे पूछा होगा, तो वो किसी बुक का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो वहां पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये होते हैं, तो वहां पे शायद ये रहा हो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल दें, या सबसे बड़ी बात है हमारे सामने शायद एफ डैश रूट थ्री भी पूछते, एफ डैश वन भी पूछते, तो सबसे पहले हमें दिमाग में आता कि कहीं ये फंक्शन कॉन्स्टेंट तो नहीं है. ये फिर से समझिएगा, ये दिमाग में जरूर आता है, क्यों, क्योंकि देखिए इट्स नॉट दैट इजी टू गेट द फंक्शन जस्ट बाय दिस इंफॉर्मेशन. हम आपको फंक्शनल रिलेशन पे और भी एक आध क्वेश्चन देखेंगे, बट वहां पे कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन होती ही होती है. इट्स नॉट दैट इजी टू गेट एनी फंक्शन जस्ट बाय दिस इंफॉर्मेशन. तो ये एक इंस्टिंक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फील है कि यहाँ पे एफ डैश जो है, या ये फंक्शन एफ डैश रूट थ्री भी पूछा होता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो हमें यही ध्यान आता है कि कहीं ये फंक्शन कांस्टेंट तो नहीं. अब समझिएगा, अगर ये फील हमें आई है, नाउ हाउ विल आई यूज इट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें अगर ये दिमाग में है कि भाई चेक कर लेते हैं कहीं एफ एक्स कांस्टेंट तो नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम एक वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को हम वाई उठा के रखते हैं, वाई को उठा के जीरो रख दिया, सो आई विल सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल बाय जीरो हियर. रीजन इज आपके पास एफ ऑफ एक्स बच जाएगा, एक्स को जीरो कर दीजिए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वाई एफ ऑफ वाई बच जाएगा. बात एक ही है, वेरिएबल से क्या फर्क पड़ रहा है, किसी एक वेरिएबल को जीरो रखेंगे, दोनों को नहीं रखेंगे, हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, एफ ऑफ जीरो वॉन्ट हेल्प अस इन एनी केस, ठीक है. तो हमने एक वेरिएबल को जीरो रखा सो दैट आई मे गेट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एफ ऑफ एक्स, लेट्स ट्राई दैट. तो यहाँ पे आपने कहा कि भैया एफ ऑफ एक्स आ गया, प्लस एफ ऑफ वाई की जगह जीरो रखा तो एफ ऑफ जीरो आ गया, प्लस एफ ऑफ एक्स इन टू एफ ऑफ जीरो आ गया, एंड देन दिस इज इक्वल टू वन. अब देखिए, नाउ फॉर मी दिस इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया वन प्लस एफ ऑफ जीरो, एंड दिस इज वन माइनस एफ ऑफ जीरो, सो दैट मीन्स हियर देन यू गेट एफ ऑफ एक्स एज 1 minus f of 0 over 1 plus f of 0, ये है आपका. तो बस हो गया ना, f of 0 obviously कोई तो वैल्यू ही होगी, कोई भी वैल्यू, doesn't make any difference, है तो वैल्यू. So this is a constant. So this is a constant, that means the function is a constant function, hence f dash whatever would have asked, f dash of root 2, f dash of 1 by 10, f dash of minus 100, whatever they would have asked is going to be 0. तो फिर से समझा रहे हैं, feel simple सी है. ये information हमारे लिए बिल्कुल भी sufficient हमें नहीं लग रही है, जहां से function हम निकालने का प्रयास करते. That's why I went ahead assuming, thinking with a feel that fx might be a constant function. Okay, so that was our first question. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट यू सेट, यानी कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स, यानी कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये यू सेट का एग्जाम है, जो कि 11th और 12th सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा. ठीक है बच्चों, अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, यानी कि आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी पे. ठीक है, ऊपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, और आपको इस टेस्ट को देने से, क्योंकि इसका एनालिसिस भी आपके पास आएगा, कौन से एरिया के कौन से टाइप के क्वेश्चन आप वीक है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, एकेडमिक प्लान मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. ठीक है ना, तो कैसा होगा ये क्वेश्चन पेपर, इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगी. ठीक है ना, जेई मेन का पैटर्न होगा. ठीक है ना, अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप 1.6 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, यानी कि ये पूल ऑफ अवार्ड्स है. ठीक है, अब बच्चों जब भी आप इसको एनरोल करोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलना, इट्स अ फ्री कोड. ठीक है ना, आप इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हो इस कोड की हेल्प से. ठीक है, अब कुछ और ऑफर्स है बच्चों अनअकैडमी पे. अगर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में हो आप, उसके साथ आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है. अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, यानी कि 11th 12th
पूरा करना है, साथ साथ में आपको आईआईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको 56,103 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स। और 12 मंथ्स के लिए यानी कि अगर आप एक साल के लिए लोगे तो आपको 38,602 में मिल जाएगा। अब अगर आपको आईआईटी जेई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और साथ में 11th 12th की सीबीएसई की क्लासेस, यानी कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपको आईआईटी जेई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ना है तो आपकी 24 मंथ्स की फीस है 100,100। ठीक है, अब वन ईयर की यानी कि 12 मंथ की है 65,096। और ये ऑफर 14 सितंबर तक वैलिड है, बस कब तक वैलिड है, 14 सितंबर तक। ये पिछले वाला ऑफर भी आपके पास 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपकी 2 ईयर की फीस होगी 56,097। आईआईटी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 56,097 24 मंथ्स की है और 38,599 12 मंथ्स की है। ये ऑफर भी 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, और ये सीबीएसई का नॉन आइकॉनिक है, ये आईआईटी जेई के साथ अगर आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी है तो 30 मंथ्स का, ठीक है ना, कितना है 68,799। ठीक है बच्चों, तो ये ऑफर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर एन अकेडमी की तरफ से आए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनरोल कर लीजिए और ये कोड डालना ना भूलिए, एनकेसी सर लाइव। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन एंड दिस वन अगेन इज अ बिट सिंपल क्वेश्चन बट अगेन लेट अस कंटिन्यू हियर विद इट। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन का भी वही बार बार एक प्रयास थोड़ा जरूर रहेगा कि वही बात है कि हमें कैसे लगा कि क्या करना है, तो उसका भी फील यहीं पे ये एक वैल्यू आपको दी है h ऑफ माइनस फाइव। फंक्शन h ऑफ x की जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है उसकी सिर्फ एक वैल्यू दी है एक पॉइंट पे माइनस फाइव पे टू, और आपसे पूछा गया h ऑफ 5, ये तो तब भी ठीक है। आप समझिए अगर जितनी अजीब सा इनपुट देखिए फंक्शन की वैल्यू पूछी जाए उतना आपको और कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि फंक्शन कहीं ना कहीं कुछ तो कॉन्स्टेंट टाइप है ये फंक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इट्स अगेन आई विल से इट्स नॉट दैट इजी टू गेट द फंक्शन, वेयर इज द इंफॉर्मेशन, एफ डबल डैश एक्स आपकी माइनस एफ ऑफ एक्स है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, एफ डैश एक्स आपका जी ऑफ एक्स के इक्वल है, बट डू वी हैव एनी अदर वैल्यू, लाइक क्या हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ जीरो कितना है, क्या हमें दिख रहा है जी ऑफ जीरो या जी ऑफ वन कितना है, नो, देयर आर थ्री फंक्शंस इन्वॉल्वड हियर, एफ एक्स, जी एस एंड एच ऑफ एक्स। ठीक है, विद दिस दीज टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एच ऑफ एक्स इज डिफाइंड लाइक दिस एंड जस्ट वन पॉइंट वेयर फॉर विच द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स इज गिवन। फिर से समझिए, तो बस बात वही है कि सबसे पहले अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन देखिए ये दिमाग में नहीं खट से क्वेश्चन निकालने का फंक्शन निकालने का प्रयास करते हैं, नहीं नहीं, बल्कि आपको करना ये है ठीक है कि आप फिर से ये सोचें कि एक वैल्यू दी है और दूसरी पूछी है। ठीक है, तो फिर से वही बात की कहीं ये फंक्शन कॉन्स्टेंट तो नहीं एच ऑफ एक्स, तो फिर आप क्या करिए देखिए अब यहां पे हम उल्टा करेंगे, वहां तो प्रूव करना था, यहां हमने क्या किया, यहां अब एच डैश एक्स निकालेंगे, एच डैश एक्स, क्योंकि अगर यदि फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का शून्य के बराबर जीरो के इक्वल हो जाए तो फिर ऑब्वियसली यू नो इट्स अ कॉन्स्टेंट फंक्शन एच डैश एक्स। तो बस एक वही बात है, गट फील पे चलते हैं कई बार और इट हेल्प्स। ठीक है, तो टू टाइम्स जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स आपको दिख रहा है एफ डैश एक्स कितना है, तो एफ डैश एक्स इज जी ऑफ एक्स, तो टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस अब जी डैश एक्स कितना है बच्चों, तो जी डैश एक्स हो जाएगा आपका टू टाइम्स जी ऑफ एक्स। नाउ जी एक्स इज एफ डैश एक्स, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि भैया जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, यू ऑल नो इजंट दैट, बट एफ डबल डैश एक्स कितना है, तो एफ डबल डैश एक्स इज माइनस एफ एक्स, तो ये एक्चुअली आपका माइनस एफ ऑफ एक्स है। सो बस हो गया, इजंट दैट बच्चों सिंपल, अगेन वेरी सिंपल, सो दिस ऑल गेट्स कैंसिल एंड यू गेट इट एज जीरो, हेंस एच डैश एक्स जीरो, हेंस एच ऑफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो फिर बात खत्म हो गई, जो वैल्यू एच ऑफ माइनस फाइव की वही वैल्यू एच ऑफ फाइव की हो जाएगी, तो आंसर यहाँ पे टू ही आ जाएगा और ये हो गई कहानी का अंत। ठीक है, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, तो ये एक दो क्वेश्चन होगा जहां पे फिर से वही बात है कि फंक्शन निकालना है या कैसे निकालना है या नहीं निकालना है वो कैसे आप डिसाइड कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका और चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी और स्ट्रॉन्ग होंगी। ये भी एक फंक्शनल रिलेशन है जैसा कि पहले क्वेश्चन में था, कुछ वैसा ही तो है,
फर्क ये है कि यहाँ पे फंक्शन रिलेशन ठीक है, कुछ और दिया हुआ है, वहां पे fx plus fy और plus in plus fx into fy is equal to 1 दिया था। if we would have wished, we would have written it like fx plus fy is equal to 1 minus fx fy। यहाँ पे कुछ और है, fx plus fy is f of something for all xy। लेकिन देखिए ये एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, that's what I say, that's what I say, just you are given a functional relation like in the first question, I will, for me, if I am given a question, I will personally never try to find the function there. जब तक कहीं पे उसकी किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू ना दी हो, कोई लिमिटिंग वैल्यू ना दी हो, तब तक फंक्शन निकालने का प्रयास हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहां पे ये इंफॉर्मेशन दी है तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ यहां पे फंक्शन निकालने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे भी f ऑफ रूट थ्री पूछा है, f ऑफ रूट थ्री पूछा है, तो समझिए हमें f ऑफ, जब तक हम फंक्शन यहाँ पे अब कॉन्स्टेंट भी कैसे प्रूव कर देंगे, और कॉन्स्टेंट प्रूव भी कर दिया तो f ऑफ रूट थ्री कैसे निकाल देंगे। मान लीजिए लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन हमने कॉन्स्टेंट प्रूव कर दिया, बट वहां से कोई वैल्यू, जब तक दूसरी एक वैल्यू ना दी हो, ठीक है, तो f ऑफ रूट थ्री भी पूछा है, f डैश जीरो भी पूछा है। अच्छा शुरू करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम फंक्शनल रिलेशन के बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं। But before that, I would like to tell you all few things here. समझिएगा, इसको देखा तो क्या लग रहा है? fx plus fy is equal to f of x plus y upon 1 minus xy. तो इसको देखा तो क्या ख्याल आया? तो ख्याल ही आया कि आप आइडेंटिटी याद करें बच्चों, tan inverse x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y over 1 minus xy. अब कंपेयर करिए जरा, तो जिसके मन में ये दिमाग में ये आइडेंटिटी, इसको देखते ही लाइक अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले हमें यही ख्याल आया। वो बात अलग है, बीइंग अ टीचर आई हैव टू सी एनीवन कैन क्लेम, ये तो गेस हो गया, हो सकता है कुछ और हो सकता है कुछ और भी ऐसा कोई फंक्शन हो ये आइडेंटिटी फॉलो करता हो, सकता है, I won't say no here. So as a teacher, it's my duty to derive it. But as a student, what you should do is, अगर आप ऐसे ही question में function पकड़ सकते हैं, तो इससे आसान कोई तरीका नहीं. क्यों? It will save lot of time. बहुत समय बचाएगा बच्चों ये. खैर, इसका मतलब ये है कि अगर हम compare कर रहे हैं, तो here I can claim then. अब हम यहाँ पे claim कर सकते हैं. इसका मतलब हमारा जो f of x है, वो tan inverse x something प्लस माइनस कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे a टाइम्स tan इनवर्स x किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो या कुछ ऐड हुआ हो, व्हाटएवर इट इज, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बट ऐड होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये पक्का है। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, उसके लिए फिर आप इसकी हेल्प लीजिए। हमें वी नो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ tan इनवर्स x ओवर x, वी नो हाउ मच इज इट, सो इट्स 1, तो ये भी मैच करता है, ये 2 है, ये 1 है, क्या करेंगे? तो 2 बनाने के लिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करें, इनटू 2 हो गया काम। इसका मतलब तो अब हम ये कह सकते हैं, तो इफ आई राइट हियर लाइक आई सेड a टाइम्स tan इनवर्स x, सो 2 टाइम्स tan इनवर्स x, और फिर आप वैल्यू में तो देखिए रूट थ्री रखा है tan इनवर्स के लिए, तो यही वो वैल्यूज है ना जिसके लिए हम आराम से वो अच्छे से अच्छा सा आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 is pi by 3, so 2 pi by 3 is answer. ठीक है, तो आपको ये भी f of x plus, okay, let me rewrite it, f of x plus y is equal to fx into fy. अब सोचिए और बताएं कौन से फंक्शंस हैं जो ये दो इस तरह से आइडेंटिटीज फॉलो करते हैं। पहले वाले का क्या फील है? तो पहले वाले का फील क्या करना है, तो है ही लॉग है, isn't that? सीधी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब ln तो आप नहीं मानोगे, आप मानोगे log x to the base a, डिफेंस बेस क्या, प्रॉपर्टी तो किसी भी बेस के लिए वैलिड है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी।
अगर फंक्शन का अंदाजा लग जाए फंक्शन रिलेशन देख के फॉर श्योर, तो उससे आसान कोई तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट सिंपल ऑलवेज। ये a रेस्ट पावर x हो सकता है, a रेस्ट पावर 2x हो, या हो सकता है बाहर 2 टाइम्स a रेस्ट पावर x हो। इसीलिए हमने कहा एक और कंडीशन होनी चाहिए जो कि यहाँ लिमिट है, तभी आप फंक्शन निकाल पाते हो ज्यादातर केसेस में। अगर ये ना दिया होता तो हम यहां पे भी आई वुडंट हैव एवर ट्राइड टू फाइंड द फंक्शन, फिर कुछ और सोचते, क्वेश्चन भी शायद कुछ और होता। बात समझिएगा, ठीक है? तो एक तो तरीका ये हो गया, फिर आपको आंसर आ जाएगा। बट ऑब्वियसली यही एक तरीका रहे तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। अब दूसरा तरीका ये है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू डू दैट? अब हमें ये चीज कहां से आई, तो फंक्शनल रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलें कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज गोइंग टू होल्ड द की, सफलता की कुंजी है। अगर आप रिलेशन देखे, और बहुत सारे केस में ऐसा नहीं है कि आपने ये फंक्शनल रिलेशन देखा, यू विल बी एबल टू गेस द फंक्शन, नो नॉट एट ऑल, ज्यादातर में ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन, तो उससे आसान कोई तरीका नहीं होगा। एनीवेज, तो हमारे लिए ये है की टू द सक्सेस, ठीक है? तो अब यूज किस फॉर्म में करेंगे, तो हम यूज इसे करेंगे लिमिट एज एच अप्रोचेस जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच एंड विच इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स। ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म में हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज यहां करने वाले हैं। बट अगेन, if I would have been like solving this question for myself or maybe taking solving it as a doubt in front of a class, how else I would have started the question? I would have started the question by trying to get f of 0. ye ek fundamental hai jo hum hamesha follow karte hain. It's not like iske bina shayad kaam na chale, no, but it's like isko to hum nikal hi lete hain, kyunki hum jante hain zyadatar case mein iski avashyakta hame padegi hi padegi. Now, how to get it? तो उसके लिए तरीका हम सिंपल मानते हैं, x put x is equal to y equal to 0. So this is the first thing which I try whenever I have to find f of 0. Again, there's no perfect rule here. ऐसा नहीं कोई thumb rule, आप यही करते चले आएंगे, हो जाए फिर तो मजा क्या? एडवांस के क्वेश्चन में ऐसा कहा, आपको हर बार सोचना पड़ेगा, बस टारगेट दिमाग में रखना है। हमारे दिमाग में वो क्या हो, वही बात है, एक बार हम समझ गए क्या करना है, तो एक कुछ बेसिक टारगेट्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन करते वक्त आपके दिमाग में आना चाहिए कि अब हम चाहिए क्या। इफ यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड, डेफिनेटली यू विल ट्राई टू गेट इट एंड देन यू विल गेट इट। तो चाहिए क्या वाला जो फील है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? तो एफ ऑफ जीरो यहाँ पे हमें चाहिए, तो चाहिए, तो फिर एक्स वाई जीरो करके देखते हैं। तो जब यहाँ पे रखा, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो विच इज टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो is equal to f of 0. तो फिर क्या हुआ, फिर तो पक्का हो गया कि f of 0 is nothing but 0. तो एक तो ये आ गया आपका, एक ही हो गया, ठीक है? So f of 0 is basically 0 here. एक पॉइंट। अब वापस आते हैं, ये आ गया, इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब यूज करेंगे, हमने बस निकाल के रखा है, हम निकाल के रखते हैं हमेशा, ठीक। अब वापस आते हैं और ये देखते हैं कि हाउ कैन वी यूज दिस रिलेशन हियर। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आप फंक्शनल रिलेशन को यहां एक्सप्रेशन में कैसे यूज कर पाते हो। क्या हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच को किसी से रिप्लेस कर सकते हैं? हाईली अनलाइकली यहां कर सकते थे। अगर ये वाला रिलेशन रहा होता तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच को एफ एक्स इंटू एफ एच लिख लेते, समझिएगा। ये रहा होता तो भी शायद हम यहां से x कॉमन लेते और उसे प्रोडक्ट में लिख लेते f ऑफ x इंटू वन प्लस एच बाई एक्स, और एक को x एक को y मान के ये यूज कर लेते। बट दोनों ही नहीं है, है ये, यहां पे कैसे भी वो फॉर्म बनता नहीं दिख रहा है। लेकिन जो फॉर्म दिख रहा है उसको यदि आप ध्यान से समझें और देखें, ये फॉर्म दिख रहा है f ऑफ x प्लस f ऑफ y। यहां भी एक छोटी सी समस्या है कि ये एफ ऑफ, अगर इसे हम एफ ऑफ ए मान लें तो ये प्लस एफ ऑफ बी नहीं है बच्चों, ये माइनस एफ ऑफ बी है। तो फिर वहां से एक फील कि अगर हम इसे प्लस में कहीं से भी कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा काम। देखिए, यही समझना है आपको कि जब कुछ नहीं यूज कर पाए तो आपको तो पता है फिर और चारा क्या बचा, ये प्लस हो जाए। लेकिन ऐसे तो माइनस को प्लस कर नहीं देंगे, एफ ऑफ पी प्लस एफ ऑफ क्यू थोड़ी बना लेंगे एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ क्यू को। तो फिर क्या तरीका है? तो फिर मैथ्स में एक ही तरीका है, माइनस फंक्शन के अंदर चला जाए। ये कब संभव? तो ये ऑड फंक्शन के लिए संभव है। तो अब दूसरा आगे अगला स्टेप यहां से समझ में आता है कि देखिए, अगर हम माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स में
को f ऑफ माइनस x लिख सके प्लस, तो फिर तो हो गया। लेकिन इसके लिए तो फिर आपको ऑड फंक्शन वो कैसे करेंगे, तो यहां पे पुट या सब्स्टिट्यूट y बाय माइनस x इन द रिलेशन f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x और f ऑफ x प्लस y, x माइनस x इज 0 0 अपॉन एनीथिंग 0 एंड f ऑफ 0 इज 0, देखिए जरूरत पड़ गई इसकी 0 और ये आ गया माइनस टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x, हो गया, वैल्यू रखें। तो अब हमें यहां पे क्या मिला, तो नाउ वी गॉट हियर लिमिट, सो f डैश x, सो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट एज h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h प्लस f ऑफ माइनस x ओवर h। अब जब रिलेशन का सदुपयोग करें और रखें वैल्यू f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x इंटू x प्लस h होल डिवाइडेड बाय h, x और x तो निकल लिए, ठीक है। नाउ व्हाट, सो नाउ यू राइट हियर f डैश x लिमिट एच अप्रोचेस 0 f ऑफ h ओवर 1 प्लस x टाइम्स x प्लस h ओवर h। अब लिमिट में तो हाथ आप लोगों का अच्छा होगा ही होगा, आप इसे देखें और इसे देखें, f ऑफ t ओवर t as t अप्रोचेस 0 इज 2, isn't that f x upon x लिखें या f ऑफ t ओवर t लिखें, x टेंस टू ज्यादा है तो t भी 0 जाना चाहिए, बस इतना ही तो है। So as t approaches 0, f of t over t is 2. Now you compare it with this. Now if I assume whatever we have within the function, इसको यदि हम t मान लें, इसको अगर हम t मान लें, तो ये जो है आपका, इसको भी t बनाना पड़ेगा, यही तो वो result बता रहा हमें। तो अगर multi divide किया है denominator में, तो denominator में आपको इसे balance करने के लिए multiply भी करना पड़ेगा। कितना आया, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका f of t over t as t approaches 0 because t तो ये है और h अगर 0 जा रहा है तो 0 upon anything 0, so t is approaching 0, तो ये हो गया, तो ये हो गया 2 over h जब 0 है 1 plus x square, देखिए वही function आया f dash x, अगर ये है तो integrating both the side you get f of x as 2 times tan inverse of x plus c, और क्योंकि f of 0 is 0, ठीक है, f of 0 is 0, तो फिर c भी यहाँ पे चला जाएगा, तो c भी हट गया, ठीक है, तो फिर आपका ये फंक्शन आ गया। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए बिल्कुल बिंदास होके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ।